आसिन की चाहत, किसने की गजनी की क्लोदिंग लाइन लॉन्च, कौन चाहता था फिल्म में आसिन की प्रेजेंस। आमिर खान ने इस इंडस्ट्री में कई नई चीजें लॉन्च करी है, जिसमें कि 100 करोड़ क्लब भी है लाइन में, 8 पैक एब्स और बेसिकली अनएक्सपेक्टेड एंड विदाउट लिमिट सक्सेस। हमेशा से ही ऑडियंस को इनसे हाई एक्सपेक्टेशंस रहती है और वो हमेशा से इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा भी करते आए हैं, लेकिन इस बार वो चूक गए और जिनसे भी ये बात सुनी वो दंग रह गया कि आमिर खान की फिल्म के साथ ऐसा हुआ। लेकिन उस डैमेज को कंपेंसेट करना अब इनका एकमात्र गोल बन चुका है और अब ये रेडी है इस चैलेंज को फेस करने के लिए अपनी फिल्म गजनी 2 के साथ। फिल्म गजनी एक ऐसी फिल्म है जिसने की फिल्म इंडस्ट्री का रुख बदल दिया और आसिन को भी बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड दिलाया था। ये फिल्म बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म थी जिसने की 100 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमाए थे। आपको बता दें कि आसिन की जिंदगी में इस दिन को लाने का पूरा श्रेय जाता है आमिर खान को। मेकर्स को उन्होंने ही इंसिस्ट किया था इस फिल्म में उन्हें कास्ट करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जब से आमिर ने आसिन की टॉलीवुड में ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस देखी थी, वो तब से ही काम करना चाहते थे उनके साथ और आसिन की जगह मेकर्स पहले प्रियंका चोपड़ा को कास्ट करने वाले थे फिल्म में। जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि फिल्म गजनी ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और नए ट्रेंड्स निकाले हैं फिल्म इंडस्ट्री में। एक और अचीवमेंट हम जोड़ते हुए हम साझा करने वाले हैं आज। जी हाँ, तो फिल्म गजनी पहली ऐसी फिल्म थी जिसकी क्लोदिंग लाइन किसी ब्रांड ने लॉन्च की थी, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है, और ब्रांड था वैन हूस। क्या गजनी 2 भी इतने बड़े मार्क्स को टच कर पाएगी? आप अपने व्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और इसके साथ ही साथ हम आपके लिए एक ऐसी खबर लाए हैं जो काफी मदद करेगी आपके टैलेंट को एक और सुनहरा चांस देने में। जी हाँ, तो अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए।